हाई गाइज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो हेयर इज़ माई अनदर वीडियो लेक्चर फॉर ऑल सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिसकस अबाउट रेटीनल डिटैचमेंट सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेटीनल डिटैचमेंट सो रेटीनल डिटैचमेंट मीन्स ये रेटीना एंड डिटैचमेंट सो रेटीना का डिटैचमेंट ठीक है तो इसमें जो आपको सेंसरी एरिया होता है रेटीना का वो सेपरेट हो जाता है रेटीनल पिगमेंट से ठीक है एपीथीलियम एंड क्लॉइड से आई का स्ट्रक्चर रेटिना सेंसरी एरिया उसके बाद आपका रेटीनल पिगमेंट होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है वो वाइडन हो जाता है ठीक है ये जो नॉर्मली जो लेयर्स होती हैं ये आपस में लूजली अटैच्ड होती हैं ठीक है इनके बीच में पोटेंशियल स्पेस है नहीं बहुत थोड़ा सा स्पेस तो नेचुरली होता है बट जब ये स्पेस जो होता है ये वाइडन हो जाता है तब रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन डेवलप होती है ठीक है इसमें आपके रेटीनल एपीथीलीम से सेपरेट हो जाता है ये कब होता है जब उनके बीच में फ्लूड एक्यूमलेशन हो जाता है या फिर जो बहुत आपकी रेटिनल लेयर्स हैं वो कोरोइड से सेपरेट हो जाती हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ ट्यूमर ठीक है, है? पार्शल डिटैचमेंट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है कब जब अनट्रीटेड हो जाएगा अगर आपको शुरुआत सिम्टम दिख रहे हैं तो अगर वो ट्रीटमेंट हो जाती है तो ठीक हो जाता है अदरवाइज आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो फिर वो वाइडन आउट हो जाता है और अगर जब डिटैचमेंट कम्प्लीट होता है तो ब्लाइंडनेस की कंडीशन डेवलप होती है सो so क्लासिफिकेशन तो बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है रेगमेटोजिनस ट्रैक्शनल एंड एक्सक्यूटिव सो रेगमेटोजिनस ट्रेडिशनल डिटैचमेंट में क्या होता है इसमें क्या होता है जो आपके सेंसिटिव रेटीना होता है उसमें बेसिकली एक होल या टीयर डेवेलप होता है जो क्या करता है आपका सब रेटिनल फ्लूड होता है वहाँ से उसको सीप आउट यानी कि फ्लो आउट होने में हेल्प करता है जिसकी वजह से रेटीना सेंसरी रेटिना retina और रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम के बीच में वो फ्लूड जाके बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से स्पेस आ जाता है देन कम्स ट्रैक्शनल रोटिशनल डिटैचमेंट ट्रैक्शनल में क्या होता है जब आपकी फिब्रोवेस्कुलर टिश्यू होती है वो आपकी सेंसरी रेटिना को पुल आउट कर लेती है उसकी जगह से ये किसी इंजरी इन्फ्लमेशन या न्यो की वजह से डेवलप होता है ठीक है फिर आता है एक्सक्यूडेटिव एक्सक्यूडेटिव में क्या होता है जो आपका इन्फ्लमेशन इंजरी या कोई वेस्कुलर एबनॉमिलिटीज होती है उसकी वजह से यह डेवलप होता है इसमें जो आपके रेटिना के अंडर जो होता है फ्लूड एक्ूमुलेशन होता है बट इसमें होल टीयर या ब्रेक नहीं होता है इसलिए रिगमैटोजिनस और एक्सक्यूडेटिव में डिफरेंस इतना है कि उसमें होल डेवलप होता है रिग्माटोजिनस में और एक्सक्यूडेटिव में होल नहीं होता है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं इसमें आपका जो रिग्माटोजिनस है उसमें रेटिनल टीयर की वजह से क्या और सेपरेट हो जा रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पे होल है देखिए आप ट्रैक्शनल में क्या है कि वो उसको अपनी तरफ को पुल आउट कर रहा है और सरस यानी एक्सकुरटिव में फ्लूड बिल्डअप हो चुका है एटियालॉजी रेस फैक्टर्स में क्या आता है जो आपके डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं यानी एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं तब कोई ट्रामा हो रहा है पेशेंट को एजिंग के साथ साथ हाई माईओपी है अगर पेशेंट को अपैक्या है हो रहा है कैरेक्टर सर्जरी के बाद उसके बाद विटरस हेमरेज हो रहा है ठीक है विटरस फ्लो आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा यूवियाइटिस इन्फ्लमेशन हो रहा है कोई मैक्यूलर डिजनरेशन हो रहा है ट्यूमर वगैरह है पेशेंट को तब ठीक है नाउ कम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहता है फ्लैशेज़ ऑफ लाइट तो एकदम से बहुत तेज रोशनी पेशेंट को लग दिखती है ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं साइन ऑफ ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग के स्पॉट्स आप देखने को मिलते हैं ठीक है ब्लड विजन बढ़ जाता है ठीक है उसके बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनकी आई के सामने कर्टेन आ गया है ऐसे ठीक है ये सेंसेशन उनकी बढ़ जाती है उसके बाद जो विजुअल फील्ड विजन लॉस हो जाता है पेशेंट को ठीक है उसके बाद इसमें जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है ठीक है और या फिर नॉर्मल भी रहता है ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती इसमें फिर पेशेंट को हैवीनस फील होती है आइज़ में फोटोफोबिया हो जाता है पेशेंट को देन कम्स डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ठीक है इनडायरेक्ट ऑपथेलमोस्कोपी करते हैं जिससे आपको ग्रे रेटिना शो हो जाता है ठीक है फिर आप स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं गोल्डमैन थ्री मिरर एग्जामिनेशन करते हैं इमिजिएट इंटरवेंशन आप क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है पेशेंट की जो दोनों आइज है उसको पैच से कवर करते हैं ताकि फर्दर डिटैचमेंट ना हो ठीक है उसके बाद आप पेशेंट को क्लाइंट से बात करते हैं अप्रोच करने से पहले ठीक है पेशेंट का हेड जो है जिस हिसाब से प्रिस्क्राइब होता है उस हिसाब से आपको प्लेस करना है ठीक है पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना है और जो जर्की हेड मूवमेंट्स है वो अवॉइड करने हैं आई स्ट्रेस मिनिमाइज करना है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करना है क्लाइंट को जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है ठीक है फिर आता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आप फोटोकॉगुलेशन करते हैं इसमें आप एक आर्गन की लेज़र बीम पास करते हैं पिपल से जिसकी वजह से एक स्मॉल बर्न होता है तो इसकी वजह से क्या होता है जो पिगमेंट एपिथीलियम और रेटिना है उसके बीच में जो एक्सक्यूडेट होता है वो बाहर फ्लो आउट हो जाता है ठीक है फिर हम करते हैं क्रायो सर्जरी क्रायो सर्जरी में हम क्या करते हैं कूल प्रोब लेते हैं जो हम स्क्लेरा में टच करवाते हैं जिसकी वजह से मतलब बहुत मिनिमल ड्रेनेज के साथ जिसकी वजह से क्या होता है स्कैरिंग होती है स्कैरिंग की वजह से फिर वो उस चीज़ को इरिगेशन की वजह से बाहर ले लिया जाता है इरिगेशन की हेल्प से फिर आता है इलेक्ट्रोडायथर्मी इलेक्ट्रोडायथर्मी में आप एक इलेक्ट्रोड नीडल पास करते हैं स्क्लेरा से ताकि जो सब रेटिनल फ्लूड है वो एस्केप हो सके फ्लो आउट हो सके ठीक है तो जो एक्सक्यूरेट होता है वो पिगमेंट एपिथीलियम से बाहर एक्सक्यूरेट आ जाता है और रेटिना से एडेयर कर लेता है फिर आता है वेट्रैक्टमी वेट्रेक्टमी में क्या होता है इस प्रोसीजर में आप वन टू फोर एम का इंसीजन प्रेस करते हैं प्लान पैना में पैंस प्लाना में ठीक है ये आपका रेटिना और सिलियरी बॉडी के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं पैंस प्लाना ठीक है हर एक साइड में कॉर्निया के ठीक है उसके बाद आप क्या करते हैं एक इंसीजन बनाते हैं ठीक है आप क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन आपने बनाया उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एक्सपायर करने के लिए विट्रिस को उसके बाद आप टिश्यू को मैनिपुलेट करते हैं ठीक है या फिर आप डायथर्मी या लेजर ट्रीटमेंट उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं फिर आता है स्क्लेरल बकलिंग स्क्लेरल बकलिंग में क्या होता है कि जो आपका रेटीना का जो रीअटैचमेंट किया जाता है आप इसमें क्या करते हैं सब रिटीनल फ्लूड को आउट करते हैं और उसके बाद आप फोर्स करते हैं पिगमेंट एपिथीलियम को रेटीना के पास पोस्ट करते हैं फिर आता है न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी इसमें क्या करते हैं आप गैस या सिलिकॉन ऑयल को इंसर्ट करते हैं ताकि रीअटैचमेंट हो जाए ठीक है तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये रेटिना के अगेंस्ट फ्लो आउट करते हैं और वहीं पे रहते हैं जब तक कि वहाँ हीलिंग नहीं हो जाती है ठीक है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करते हैं आपको आई पैचेस अपनी की पोजिशन में मेन्टेन करके रखने होते हैं हेमरेज के लिए चेक करना होता है नोज़िया प्रिवेंट करना है वॉमिटिंग प्रिवेंट करनी है पेशेंट को देखने की रेस्टलेसनेस तो नहीं हो रहा है ठीक है जिसकी वजह से हेमरेज हो सकता है फिर आपको सडन शार्प आई पेन हो रहा है अगर पेशेंट को तो वो आपको चेक करना है ठीक है उसके बाद पेशेंट की डीप ब्रीदिंग एनकरेज करनी है मगर कफिंग को प्रमोट नहीं करना है पेशेंट को अवॉइड करानी है काफिंग उसके बाद आपको बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है उसके बाद पोजिशन करना है क्लाइंट को एज प्रस्क्राइब ठीक है फिर आपको आई मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करनी है उसके बाद क्लाइंट को असिस्ट करना है ठीक है कि वो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कर पाए उसके बाद सडन हेड मूवमेंट्स नहीं करानी है ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं कराना है जिसकी वजह से इंट्राकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाए ठीक है उसके बाद आपको क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो रीडिंग वगैरह ना करे थ्री टू फाइव वीक्स उसके बाद आपको पेशेंट को अवॉइड कराने है वो स्क्विंटिंग्स ट्रेनिंग ठीक है ये सब ना करे कॉन्स्टिपेशन उसके बाद आपको हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करने के लिए मना करना है पेशेंट को बेंड नहीं करना है ये सबके लिए पेशेंट को मना करना है ठीक है सो दैट कि जो आपका एयर प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ ना जाए इसलिए आपको पेशेंट को ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करने देनी है उसके बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि डार्क कलर के ग्लासेस पहनने दिन में और आई पैच रात को ठीक है उसके बाद आपको पेशेंट को फॉलोअप के लिए इंकरेज करना है क्योंकि ऐसा होता है कि अब एक आई में हो गया ठीक है फाइन वो ठीक हो गया बट वो दूसरी आई में रिक रिकर होने के चांसेस होते हैं तो आपको पेशेंट को फॉलोअप के लिए इनक्रेज करना है सो दैट वॉज़ ऑल अबाउट द टॉपिक होप यू गाइज़ फाउंड द टॉपिक यूजफुल सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग